सोमवती अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाओं द्वारा अपने पति की दीर्घ आयु कामना के लिए व्रत रखने का विधान है। सोमवार को भगवान शिव जी का दिन माना जाता है, इसलिए सोमवती अमावस्या पर शिव जी की आराधना पूजन अर्चना उन्हीं को समर्पित होती है। इसलिए सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घ आयु की कामना करते हुए पीपल के वृक्ष में शिव जी का वास मानकर उसी की पूजा और परिक्रमा करती हैं। सोमवती अमावस्या व्रत कथा सुनती है। यह कथा भी यही सीख देता है कि सोमवती अमावस्या का व्रत बड़ा पुण्य फलदायी है। आइए सुने इस पवित्र कथा को। एक साहूकार के सात बेटे और साथ ही बहुओं के साथ एक बेटी भी थी। साहूकार के घर रोज एक जोगी आता था, जिसे साहूकार की बेटी भिक्षा देती थी। उस जोगी को जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने आती तो वह उससे भिक्षा नहीं लेता था और कहता कि तेरे भाग्य में सुहाग की जगह दुहाग लिखा है। लड़की को उस जोगी की यह बात बहुत बुरी लगती और एक दिन वह अपनी माँ से रोते रोते जोगी की बात बताती है। सारी बात सुनकर माँ कहती है कि कल जब जोगी आएगा तब मैं सुनती हूँ कि वह क्या कहता है और क्यों कहता है। अगले दिन फिर जोगी आता है तो साहूकारनी छिप कर बैठ जाती है और लड़की को भिक्षा देने भेजती है। जोगी उससे भिक्षा नहीं लेता और फिर वही बात दोहराता है कि तेरे भाग्य में सुहाग के बजाय दुहाग लिखा है। लड़की की माँ बाहर निकल कर आती है और जोगी से कहती है कि एक तो हम तुझे भिक्षा देते हैं और तू हमें गाली देता है। जोगी कहता है कि मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, जो बात सच है वही कह रहा हूँ। इसके भाग्य में जो लिखा है मैं वही सच आपको बता रहा हूँ। सारी बातें सुनने पर लड़की की माँ कहती है कि जब तुझे सारी बात पता है तो इससे बचने का उपाय भी पता होगा, वह बता। जोगी कहता है कि सात समंदर पार एक धोबन रहती है जिसका नाम सोना है। वह सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर इसे फल दे दे तब ही इसका दुहाग टल सकता है, अन्यथा विवाह के समय सर्प काटने से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। सारी बात सुनकर माँ रोने लगी और सोना धोबिन की तलाश में निकल गई। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ रही थी, जिससे बचने के लिए वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसी वृक्ष पर एक गरुड़ के बच्चे अपने घोंसले में थे। एक सांप आया और गरुड़ के बच्चे को खाने के लिए लपका, लेकिन साहूकारनी ने उस सांप को मारकर बच्चों की रक्षा की। कुछ देर बाद गरुड़नी आई और सब जगह खून देखकर साहूकारनी को चोंच से मारने लगी। साहूकारनी बोली कि एक तो मैंने तेरे बच्चों को सांप से बचाया और तू मुझे ही मार रही है। सारी बातें जानने पर गरुड़नी बोली कि तूने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसलिए मांग जो चाहती है। साहूकारनी गरुड़नी से कहती है कि मुझे सात समंदर पार सोना धोबिन की यहाँ छोड़ दो, और गरुड़नी ने वैसा ही किया। साहूकारनी वहाँ पहुँच तो गई, लेकिन सोचने लगी कि इसे कैसे मनाऊँ। सोना धोबिन की भी सात बहुएं थी, लेकिन घर के काम को करने के लिए सदा आपस में ही लड़ती झगड़ती रहती थी। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी आती और चुपके से सारा काम कर उजाला होने से पहले चली भी जाती। सारे बहुएं भी आपस में यही सोचती कि कौन सी बहू है जो सारा काम कर देती है, लेकिन एक दूसरे से पूछने की हिम्मत किसी की भी नहीं होती। काम करने की बात सोना धोबिन ने भी देखी कि आजकल बहुएं लड़ती भी नहीं हैं और काम भी सारा हो जाता है। सोना धोबिन ने सारी बहुओं को बुलाया और पूछा कि आजकल तुम लड़ती भी नहीं हो और घर का सारा काम कौन करता है। बहुएं सास से झूठ कहती हैं कि लड़ाई करने से क्या फ़ायदा, इसलिए हम मिलकर काम कर लेती हैं।
सोना धोबिन को अपनी बहुओं की बात पर विश्वास नहीं होता और वह रात में जागकर वह स्वयं सच देखना चाहती है कि कौन काम करता है। रात होने पर सोना धोबिन छिप कर बैठ जाती है कि देखूं कौन सी बहू काम करती है। रात हुई तो वह देखती है कि एक औरत चुपके से घर में घुस रही है। वह देखती है कि उसने घर का सारा काम कर दिया है और जाने की तैयारी में है। जैसे ही साहूकारनी जाने लगती है तो सोना धोबिन उसे रोकती है और पूछती है कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो। साहूकारनी कहती है कि पहले तुम वचन भरो, तब बताऊंगी। वह वचन भरती है, तब साहूकारनी कहती है कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है, लेकिन तुम सोमवती अमावस्या करती हो तो मेरे साथ चलकर उसे सुहाग दे दो। सोना धोबिन वचन से बंधी थी तो वह साहूकारनी के साथ चलने को तैयार हो जाती है। जाते हुए सोना धोबिन अपने बेटों व बहुओं से कहती है कि मैं इस औरत के साथ इसकी बेटी को सुहाग देने जा रही हूँ, लेकिन अगर मेरे पीछे से तुम्हारे पिताजी मर जाएं तो उन्हें तेल के कूपे में डालकर रख देना। धोबिन साहूकारनी के घर पहुंच जाती है। साहूकारनी अपनी बेटी का विवाह करती है तो फेरों के समय सोना धोबिन कच्चा करवा, दूध तथा तार लेकर बैठ जाती है। कुछ समय बाद सांप आया और दूल्हे को डसने लगा तो सोना धोबिन ने करवा आगे कर तार से सांप को बांध दिया और सांप मर गया। अब सोना धोबिन ने लड़की को सुहाग दिया और कहा कि जितनी अमावस्याएं मैंने की है उन सभी का फल साहूकार की इस लड़की को मिलेगा। अब आगे जो अमावस्या मैं करूंगी उनका फल मेरे पति व बेटों को मिलेगा। सभी लोग सोमवती अमावस्या की जय जयकार करने लगे। सोना धोबिन अपने घर वापस जाने को तैयार हुई तो साहूकारनी ने कहा कि तुम मेरे जमाई को जीवन दान दिया है, इसलिए तुम जो चाहो मांग लो। सोना धोबिन बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और वो चली गई। रास्ते में चलते हुए फिर से सोमवती अमावस्या आ गई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत रखा और पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की। पीपल के पेड़ की पूजा के बाद वह घर जाती है तो देखती है कि उसका पति मरा पड़ा है। अब रास्ते में जो सोमवती अमावस्या उसने की थी उसका फल अपने पति को दे दिया। उसके प्रभाव से वह पुनर्जीवित हो गया। सब कहने लगे कि तूने ऐसे क्या किया जो तेरा पति जिंदा हो गया। वह कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, बस रास्ते में सोमवती अमावस्या आ गई थी जिसका मैंने व्रत किया, कहानी कही और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की। अब सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि हर कोई सोमवती अमावस्या करेगा, पूजा करेगा, व्रत रखेगा, कहानी कहेगा और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करेगा। हे सोमवती अमावस्या, जैसे आपने साहूकार की बेटी का सुहाग दिया वैसे ही सबका देना।